हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन कुछ नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से। तो आप देखिए, ये हमने 1 केजी चिकन ले लिया है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, बढ़िया तरीके से हमने धुल लिया है इसको। और ये देखिए, हमने मसाला ले लिया है। मसाले में हमने काजू ले लिया है, बादाम ले लिया है, स्याह जीरा है, ये लहसुन है, और ये फूल है, और मिर्च है, और 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, और अदरक का टुकड़ा हमने 4-5 इंच ले लिया है, और ये जीरा है, और ये स्याह जीरा है। तो इसको हम हल्का सा पहले रोस्ट करेंगे, मतलब कि हल्का सा भून लेंगे, फिर इसे हम जार में पीसेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये सारा मसाला जो देख रहे हैं, इसे हम रोस्ट करेंगे, काजू, बादाम, लहसुन आदि, जीरा, जो भी मसाला है, इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे गैस को बंद करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दही मिलाएंगे 1 कलछुल, फिर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और जो ये हमने मसाला पीस के रखा था इसे डाल देंगे, और इसे मैरिनेट करेंगे। फिर इसमें हम प्याज जो है फ्राई करके रखे हुए थे, इसे मिला देंगे, और स्वाद अनुसार हम मिर्चा भी मिला देंगे। पिसा हुआ मिर्चे का पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, और 1/2 स्पून हम हल्दी मिला देंगे, और इसे हम अच्छे से मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए रख लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और इसे हम 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके ढक करके रख देंगे, फिर हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा मैरिनेट हो चुका है, 1/2 घंटा हो चुका है लिया है, और थोड़ा सा हमने प्याज भी इसी में बचाया हुआ है, जो हम फ्राई करके प्याज डाले थे उसे भी बचाए हुए हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से बनाएंगे। ये कलेजी भी दे दिया है चिकन की, और इसे हम अच्छे से भुनाई करेंगे बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं, तो ये प्याज भी हमने मिला दिया है जो कढ़ाई में थी। अब हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे। अब हम इसे ढक देंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए, हम कढ़ाई को खोल दिया है, और इसकी भुनाई हम बहुत अच्छे से करेंगे, और चिकन भी हमारा गल चुका है। चिकन बिल्कुल गल चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। चिकन बन चुका है एकदम भुना हुआ चिकन। तो एक बार इसे आप भी ट्राई ज़रूर करिए। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो चलिए, अब हम कढ़ाई में ही दिखाते हैं क्या हम सर्व करें। ये देखने में इतना अच्छा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।